वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी साडा खिड़दा पंजाब ग्लोबल मेडास फाउंडेशन दे उत्ते एक सीरीज बना रहे हैं गया। खालसा एजुकेशन दे उपर सिस्टम दे उत्ते ते सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिदे विच स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट आंदे ने ते अज असी उहदे विच आप जी का स्वागत करते हैं। असी आए हाँ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड शादरा दी ब्रांच विच। ते आओ असी अज सीनियर प्रिंसीपल जी का इंटरव्यू लै रहे हैं ते उना दे बैकग्राउंड बारे और स्कूल बारे जानांगे उना तो। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। आप जी का नाम सर जी? मेरा नाम सतबीर सिंह। आप जी का बैकग्राउंड की है सर जी? बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम द सेम एजुकेशन फील्ड। मैं इस एजुकेशन फील्ड करीबन करीबन 25 साल तो काम कर रहा और इस एजुकेशन फील्ड काम करते हुए मैं अलग अलग संगठनों का एक्सपीरियंस हैगा जिद मर्सी शिक्षा संगठन हो गया, DAV पब्लिक स्कूल, DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस किस्म के सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हैगा मैं। आप जी की डेजिग्नेशन की है सर? मेरी डेजिग्नेशन हैगी प्रिंसिपल। मैं इतने प्रिंसिपल वागू काम कर रहा, पिछले 4 साल का मैं GHPS लोनी रोड गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड संभालन दिया। तो सर आप जी इतों किन्ने साल तो है? मैं पिछले 4 साल तो इतने सेवा निभा रहा। 4 साल तो? तो सर मैं जानना चाहवागी कि स्कूल की नींह कदों रखी गई? स्कूल की नींह 1981 रखी गई, 1981 तद तो यह स्कूल काम कर रहा। उस समय इलाका जोड़ा हैगा सी थोड़ा आउटडेटेड सी, आज की डेट च हाईली क्राउडेड एरिया हैगा जिन्हों असी कहोंगे कंक्रीट के जंगल के एक हरियाली जरा भरिया इलाका हैगा। यह स्कूल बहुत सोहना हैगा, हरिया भरिया हैगा, यह पूरे कंक्रीट के जंगल आओगे तो लगेगा ओएसिस है, बहुत सोहनी जगह है। सर इतने के स्थापक कौन है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन स्कूल चला रही है, उन्होंने अधीन आँदी है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल सोसायटी दिल्ली जो इस स्कूल रन करती है, जिद दो पोस्टा है। एक है साडे चेयरमैन सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी और दूसरे है सरदार जगदीप सिंह जी कैलू जी जो वाइस चेयरमैन है। ये दोवें पोस्टा इस स्कूल सारू चला। सर स्कूल की नींह की सोच के रखी गई? स्कूल की नींह इस सोच के रखी गई सी समाज के सोसायटी के अपने खासकर पंजाबी समाज के बच्चों अगे वधाउणा और इस स्कूल ने पास तो लैके हुणे तक के वो सारा काम किया है। तुसी इस इलाके जदों भी संगत नूं पुछोगे तुहानूं हमेशा कहणगे कि उन्होंने बच्चे इस जगह तो पढ़ के निकले। सर स्कूल दे विच टीचर नॉन टीचर स्टाफ किन्ना है आप जी दे? साढ़े कोल कुल मिला के 225 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैगा है जो कि सारे गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल ब्रांचा दी सब तो ज़्यादा स्टाफ साढ़े स्कूल च हैगा है। और पहले दिन तो लेके आज तक के स्टाफ दी ए हमेशा कोशिश रहिंदी है कि बच्चियां नू जिन्ना तो जिन्ना ज़्यादा असी सहायता कर सकीए उन्हूं करिए ताकि बच्चा वध तो वध अगे वधे। की अपने स्कूल दे विच बच्चों नू की फैसिलिटियां दित्तियां जा रही हैं? साडे स्कूल विच सारे किस्म दी फैसिलिटीज़ हैगे। अगर तुसी बच्चों नू स्पोर्ट्स के हिसाब नाल देखा जाओ तो साडे कोल बहुत सारे ग्राउंड हैगे आ जिहदे विच हॉकी ग्राउंड हैगा है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल हैगा है, इनडोर गेम्स हैगी है, टेबल टेनिस हो गया, उस तो बाद बच्चे फुटबॉल भी खेडदे आ, क्रिकेट हैगा है, स्केटिंग हैगा है, इस किस्म दी। और लैब्स वेखी जाए तो गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड शादरा ट्रांस जमुना का सब तो वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर लैके बैठा है, लैंड के हिसाब के नाल, लैब्स के हिसाब के नाल, फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो ते कंप्यूटर लैब ये ट्रांस जमुना की सब तो वड्डी लैब्स आ। तुसीं इत्थे अगर लाइब्रेरी देखे जाए तो इत्थे दो दो लाइब्रेरी है, एक सीनियर ब्लॉक की लाइब्रेरी हैगी, एक प्राइमरी ब्लॉक की लाइब्रेरी, दोवों च मिला के 60,000 किताबा है। तुसीं किसी भी स्कूल चले जाओ तुहानूं 60,000 किताबों की गिनती नहीं आएगी, वो कहोगे ये तो 1/10 हैगी या 1/5 हैगी, लेकिन 60,000 किताबा नहीं मिलनगियां। बाकी इनू छड़ के साडे स्कूल विच होर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दित्ती जांदी आ और सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ हैगी आ बच्चियां नू इत्थे गुरु दे नाल जोड़िया जांदा है, अपने धार्मिक शिक्षा दे नाल लगाया जांदा है, बच्चियां नू धर्म की जानकारी दित्ती जांदी आ। इस करके साडे बुजुर्गां ने साडे वड्डे वडेरियां ने एक स्कूल दे विच गुरुद्वारा साहब की नींह रखी, इस स्कूल दे विच अपना खुद का गुरुद्वारा है। साड़ी सवेर की सुबह, साड़ी सवेर की अरदास, साड़ी सवेर की असैम्बली बाबे दे नां और अरदास तो शुरू होंदी है, इस करके इत्थे हमेशा पॉजिटिव एटमोसफेयर तुहानू मिलेगा। सर 2 ईयर आफ्टर और 2 ईयर बिफोर कोविड रिजल्ट प्लस स्टूडेंट स्ट्रगल की रहेगा? देखो जिथे तक के मैं गल कहां कि स्टूडेंट स्ट्रगल 100% स्टूडेंट स्ट्रगल बहुत होया है। कोविड एक एवजा टाइम हैगा सी जिस समय बच्चों ने तुसी एक जंगले च बांध दिता सी, जिन्हों कहें ना द चाइल्ड वॉज देयर इन द जेल,
क्यों, जिहड़े बच्चे ने कूदना है, जिहड़े बच्चे ने खेडना है, जिहड़े बच्चे अपने दोस्तां दे नाल टिफिन शेयर करना है, जिहड़े बच्चे ने कोरीडोर च दौड़ना है, जिहड़े बच्चे ने 40-50 बच्चियां दे नाल इंटरैक्शन करना है, प्रिंसीपल टीचर स्टाफ नाल गल करनी है, उन्हूं खाली दो चेहरे नज़र आउंदे सी, एक माँ ते प्यो। तो जब एक बच्चा किसी जेल दे विच बंद रहेगा तो तुसीं उह समझो कि उस बच्चे की की हालत हो जाएगी। तो कोविड पीरियड ने बच्चे नाल उस किस्म का सलूक किया, ये बच्चों की गलती नहीं है, ना मापिया की गलती आ, ना या सोसाइटी की गलती आ, ये तो समय की नीड हैगी सी। लेकिन वो दो साल जिहड़े बच्चे अंदर रहे, जेलों च बंद रहे, जदों बाहर निकले तो वो अपने सारे एटीकेट्स और मैनर लगभग भुल चुके सी। स्टाफ ने, पेरेंट्स ने, सारिया ने मिल के बच्चों नूं वापस ट्रैक च लियाण वास्ते बहुत मेहनत की। आ साल जिन्हों असी कोविड के बाद का पहला साल जिहदे विच बच्चे साल भर स्कूल आए इहनूं कह सकते हैं। इस टाइम दे विच मैं कहना स्टाफ ने अपनी पूरी शक्ति लगा के बच्चों नूं ट्रैक च लियाण दी कोशिश की, ताकि बच्चा एक सही इंसान बन सके, एक समाज का सही स्तंभ बन सके। क्यों, जब तक कि बच्चा सही स्तंभ नहीं बनेगा तद तक कि सोसाइटी डेवलप नहीं होएगी। और सिखां दे विच ते किया ही जांदा है सेवा भाव पहला, तो स्टाफ ने सारे ने उही सेवा की। सानू साड़ी पूरी मैनेजमेंट, स्कूल दे मैनेजमेंट दे चेयरमैन सरदार परविंदर सिंह जी लक्की, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार दलविंदर सिंह जी, सारे ने बहुत सपोर्ट किया। तो साड़ी हायर अथॉरिटी दे साडे दोवें इंचार्जेस, साडे दोवें प्रेसीडेंट ते जनरल सैकटरी साहब DSGMC ने उन्हां दे सहयोग दे नाल इह स्कूल पहला तो भी ज़्यादा तक शक्ति दे नाल अगे वध रहा है ते बच्चों नू सपोर्ट कर रहा है। सर, सिख माइनोरिटी और स्कॉलरशिप दे की बेनीफिट्स ने बच्चों? सिख माइनोरिटीज़ और स्कॉलरशिप दे बेनीफिट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। सिख माइनोरिटीज़ के बेनीफिट ये है कि तुसी जदों भी बच्चे नूं पढ़ा रहे हो तो तुहाडी फीस रीएम्बर्स हो सकती है। उहदे वास्ते एक प्रोसीजर होंदा है, तुहानूं उह प्रोसीजर फॉलो करना पैंदा है। पहला की होंदा सी, पेरेंट्स बाहर लभदा सी कि मैं कित्थे जाके उहनूं करांगा, किस तरीके नाल उहनूं डील करांगा। हुण साडी हायर अथॉरिटी ने यह बहुत चंगा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन दे विच एक बकायदा माइनोरिटी सैल बना दिता है। और वो माइनोरिटी सैल हर स्कूल दे विच एक माइनोरिटी सैल का जिहड़ा कोआर्डीनेटर अपॉइंट किया है, वह कोआर्डीनेटर की करता है, सारे पेरेंट्स नूं सिख माइनोरिटीज़ तो रिलेटिड सारी स्कीमां दे बारे दसदा है, तो सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कराउंदा है। उस बेस दे विच उस बच्चे नूं स्कॉलरशिप आसानी नाल मिल जाती है। साडे स्कूल तो बहुत सारे बच्चे इस किस्म की चीज़ वास्ते अपलाई करते हैं और उन्होंने लगातार पैसा मिल रहा है। मेरी सारे तो एक बेनती है, जिन्नी भी फैसिलिटीज़ गौरमेंट, भावें स्टेट गौरमेंट होए, भावें सेंट्रल गौरमेंट होए, अपने सिखां वास्ते माइनोरिटीज़ वास्ते चलाउंदी आ, सानू उह सारी स्कीमां की जानकारी होनी चाहिए आ। और अगर किसी नूं किसी चीज़ की जानकारी दी अभाव हैगा है, वह बंदा साडी कमेटी ऑफिस जा सकता है, उत्थे माइनोरिटी सैल बनिया होया, उस माइनोरिटी सैल तो जानकारी ले सकता है। और साडे GHPS लोनी रोड शाहदरा दे स्कूल दे विच भी आ सकता है, इत्थे भी साडे कोआर्डीनेटर हैगा, वह उन्होंने हर किस्म की मदद देगा ताकि उन्होंने इस चीज़ का बेनीफिट मिल सके। सर, स्कूल नूं लैके आप जी दे की विचार ने? स्कूल नूं लैके बड़े चंगे विचार आ, असीं फुल खिलाउने आ। लोग सोचते हैं कि स्कूल जिहड़े बच्चे वास्ते हुंदा, मैं कहना बच्चे वास्ते कुछ नहीं हुंदा, असीं उह फुल खिलाउने आ। सानू एक गमला दे दिता जांदा है और एक छोटा जिहा सीड दे दिता जांदा है कि तुसीं इस सीड नूं हुण पहला मट्टी खोदनी आ, मट्टी खोद के लगाउणा है, पानी देना है, टाइमली वेखना है, वढ़दा है तो उहदी ट्रीमिंग करनी, कटिंग करनी है, जिन्हों असी कहने हल्का हल्का प्रेशर देना बच्चे ते, फिर बच्चे नूं इस तरीके नाल खिलाया जांदा ताकि एक दिन बच्चा फुल वांगू खिड़े। जदों बच्चा फुल वांगू खिड़दा है तो सब तो पहला उहनूं याद आउंदा है कि मेरा स्कूल, जदों बच्चा कहिंदा ना कि ये मेरा स्कूल आ, उस स्कूल की सारी मेहनत, सारे स्टाफ की, सारिया की मिसल सफल हो जाती है। क्यों, जदों बच्चे के अंदर तुसी भरता है मेरा है, जिदे अंदर आ गए है मेरा है, फिर वो जिंदगी भर उस चीज़ को नहीं भुलेगा, ना उस चीज़ के किसी किस्म का खेरू खेरू होने वास्ते मौका देगा, उन्हों हमेशा सपोर्ट करेगा। ये मैं स्कूल समझदा है, स्कूल की सब तो वड्डी डेफिनेशन यही है। संगत नूं की मैसेज देना चाहोगे तुसीं? संगत नूं मैं यही मैसेज देना चाहुंदा है कि संगत जी, ये ताडे स्कूल आ, ये ताडी कौम दे स्कूल आ, ये साडे स्कूल आ,
असी अपने स्कूलों में अगर अपने बच्चे नहीं पावांगे, कल की डेट कोई पूछेगा कि तुहाडा बच्चा कित्थे पढ़ता है, तो मैं कहांगा फलां फलां स्कूल च पढ़ता है, तो वो ये कहेगा कि तुहाडे स्कूल इस काबिल नहीं है सी कि तुसी अपने बच्चे नूं अपने स्कूल च पढ़ा सकन। मैं तुहानूं संगत जी एक गल बड़े आराम नाल दसदा है, मेरे बच्चे तो पहला दूसरे स्कूल च पढ़ के आए और वड्डे काफ़ी वड्डे स्कूल च पढ़ के आए, जदों मैं स्कूल नूं ज्वाइन किया मैनूं इत्थे दी सेवा मिली, मैं सब तो पहला अपने बच्चों नूं अपने स्कूलों च पाया, क्यों? मैनूं अपने स्कूलों ते विश्वास आ, मैनूं पता है कि मेरे इत्थे जिहड़ा टीचर हैगा वो ट्रेंड आ, मेरे इत्थे नॉन ट्रेंड एक बंदे नूं भी नहीं रख्या जांदा, मेरे इत्थे बकायदा जिहड़े स्टाफ रख्या जांदा वो ट्रेनिंग किया होया, डेवलपमेंट किया होया, ओरिएंटेशन किया होया रख्या जांदा है। जब मेरे इत्थे इस किस्म का स्टाफ आ तो डेफिनेटली मेरा इत्थे बच्चा जिहड़ा पढ़ के चंगा निकलेगा। मेरी अज सारिया दे नाल हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसी सारे अपने स्कूल नू अपना समझो, अपनी कौम दा समझो, इहदे अग्गे वधाउण वास्ते इहनू होर डेवलप करन वास्ते सहयोग करो, आओ सानू सजेशन दो, ते नाले सब तो पहला इस स्कूलां च अपने बच्चे पाओ। कहिंदे ना अपने स्कूल दे विच असी अपने बच्चे नहीं पाए तो कित्थे पावांगे, क्योंकि ये कौम दे हैगे आ, ये किसी एक दे नहीं हैगे, ये साडी सांझी विरासत आ, ये सांझी विरासत जे असी नहीं सांभी तो कल जाके सांझी विरासत खत्म हो जाएगी, तो इहदी जिम्मेदारी किसी होर दी नहीं होएगी, साडी होएगी। और मैं जानदा है कि जब सानू सांझी विरासत साडे वड्डे वडेरिया ने बजुर्गों ने दित्ती है तो असी ये सारी चीज़ां नू लै के अगे जाइए, अपने स्कूलों नू होर वधाइए, ताकि बच्चा साडे धर्म दे नाल, ताडी शिक्षा दे नाल, साडे गुरुआ दे नाल, साडे वैल्यूज़ दे नाल जुड़ सके। कल दे दिन च उहनू ये नहीं बोलना पएगा कि बेटा बाइक दे सामने कार दे सामने खंडा लगा, क्यों? वो पहला ही खंडा वाला बनिया होएगा, वो अंदरों खंडे वाला बनिया होएगा, वो दिलों जुड़ गुरु वाला बनिया होएगा। जब वो दिलों गुरु बनिया वाला बनिया होएगा तो तुहानू उहनू गुरु वाला बनाउण दी मेहनत नहीं करनी पएगी, उहनू गुरुद्वारे लैके जाना नहीं पएगा, जदों स्कूल आएगा अख बंद करेगा, अरदास होएगी, वाक होएगा, वो अपने आप गुरु दे नाल जुड़ जाएगा। तो मेरी तुहाडे सारे तो यही बेनती है कि तुसी अपने स्कूल दे विच बच्चों पाओ, और जिहड़ा तुहाडे लागे छागे भी जो भी स्कूल च एडमिशन लेना चाहुंदा उहनू मोटीवेट करो कि इन स्कूलों च जाओ, क्यों? सिख दिलेरी वासे मन्ने जांदे आ, तो इस करके सिखा दा स्कूल भी जिहड़ा हैगा वह दिलेरी वास्ते हुंदा है, तो असी दिले दिल खोल के सारे दा स्वागत करदे आ, सानू किसी कौम किसी दे नाल नहीं, क्योंकि सुख दा स्कूल दा पहला धर्म हुंदा है शिक्षा, और असी शिक्षा दे इस मंदर नू लैके अगे वध रहे आ, और इहदे वास्ते साडे गुरुआं दी सानू दित्ते ए मोरल वैल्यूज़ बहुत आ, असी उहनू ही लैके फॉरवर्ड चल रहे आ। तो मेरी तुहाडे सामने सारिया दे नाल ये बेनती है कि तुसी स्कूलों दे विच बच्चे पाओ और अपने स्कूलों की संभाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद ताडा सर जी, तुसी बहुत ही अच्छे तरीके ना स्कूल चला रहे हो, और बहुत टीचर्स वाला हर एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाइस चेयरमैन सर नू मिलते हैं और उन्होंने इंटरव्यू लेने हैं कि वह स्कूल नू किस तरीके ना हैंडल कर रहे हैं। सत श्रीकाल सर जी। सत श्रीकाल जी मैडम। सत श्रीकाल। आप जी का नाम सर? मेरा नाम दलविंदर सिंह जी। सर आप जी का बैकग्राउंड की है? मैडम इस तरह मेरा बैकग्राउंड मैं दसा थोड़ी, मैं एक एक्चुअली मेरा अपना फैक्ट्री हैगी सी मेरी, तो बाकी ग्रेजुएशन करन तो बाद मेरी फैक्ट्री सी अपना साडा सैनिटरी बाथरूम फिटिंग का काम सीगा, तो उस तो बाद कुछ इस तरह राजनीति जिहड़ी सी सिख राजनीति इच काफ़ी देर मैं करीब 87 तो पार्टिसिपेट कर रहा सीगा, तो मौका मिलिया 87 तो ही स्कूल दे नाल जुड़न दा, और 92 तो मैं इत्थे गवर्निंग बॉडी मैंबर भी रहा, तो हुण कमेटी जो हुण मौजूदा कमेटी है उन्हें सीनियर वाइस चेयरमैन की पोस्ट दिती है, तो हुण करीब 3 साल तो मैं सेवा कर रहा। आप जी दी डेजिग्नेशन की हैगी सर? मेरा डेजिग्नेशन है कि सीनियर वाइस चेयरमैन। कितने टाइम तो तुसी इत्थे हो सर? मैनूं वैसे तो जी स्कूल से करीब इतने सेवा करते हूँ 10 साल करीब हो गए, मैं 2013 तो मैं करीब स्कूल के मैनेजमेंट च 2013 तो। ते सर स्कूल कदों बने अपना है? मैडम स्कूल मेरा ख्याल 1980 की गल है, ये सरदार रघुबीर सिंह सीगे, उन्होंने एक जगह डोनेट की सी, ये बाबा हरबंस सिंह जगह डोनेट की सी, वो तो फिर दिल्ली कमेटी ने उन्होंने कहा कि इतने सिखा लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जगह नहीं सिखा लिए कोई, जो सिख बच्चे पढ़ सकन, तो बाबा हरबंस सिंह ने फिर करीब 3.5 एकड़ जी जमीन हैगी है, ये 3.5 एकड़ जमीन फिर ये दिल्ली कमेटी डोनेट की, ये स्कूल
मेरा ख्याल 80 के करीब बनया है तो पहलों एक्चुअली 5वीं तक स्कूल सेगा है तो ये अंडर चलता सेगा साड़ी अपना इंडिया गेट उस स्कूल के अंडर चलता सेगा 84 का स्कूल काफ़ी साड़ सूट दिता गया सी तो काफ़ी बिल्डिंग वैसे 80 तो बनया। सर की सोच के नींह रखी गई सी? सर मैडम नींह सोच के रखी गई साड़ी एक्चुअली एक साड़ी मिनोरिटी है साड़े को स्कूल कोई नहीं सीगा और इस तो बाद कि जो 84th बाद चलो 84th बाद ऐसी गल नहीं उस टाइम भी थोड़ा जो माहौल बिगड़ना शुरू हो गया सेगा लेकिन 84 तो बाद तो माहौल तो बहुत खराब सेगा साड़ा बच्चा अगर असी स्कूल भेजते बच्चे तो बच्चे वैसे ही परेशान किया जाता सी कि बच्चे ने बाल कटवा ले कुछ कटवा ले लेकिन एक बड़ी सख्त जरूरत सी कि साड़े स्कूल अपना स्कूल साड़ा होवे जिसे साड़ा बोलबाला होवे स्कूलों के विच ये स्कूल का तां फिर सी रखा गया तो साढ़े कोल पहले स्कूल एक सीगा जमुना पार तो करीब साढ़े जमुना पार का बच्चा इसी स्कूल के आता सीगा करीब करीब तो दो स्कूल कढ़ना थोड़ा बच्चा घट गया सिख बच्चा घट गया लेकिन पहले करीब सारा सिख बच्चा जमुना पार का वो सारे लोनी रोड स्कूल की ब्रांच आता सी। सर अपना स्कूल नूं की फैसिलिटियां दित्ती जा रही बच्चों स्कूल दे विच? बट एक्चुअली गल जो फैसिलिटी मैक्सिमम फैसिलिटी दे सकते हैं असीं अच्छा क्योंकि सारा साडा फंड स्कूल का फंड सारा फंड इस बिल्डिंग के उपर इतने लग जाता है इस वैलफेयर से लग जाता है क्योंकि साडा स्कूल उस स्कूल तो है नहीं कि असी पैसा बचा के ले जाना है या पैसा अभी जमा करना कुछ साडा पैसा या स्टाफ को जाएगा या साडा पैसा बच्चों को जाएगा जो असी मैक्सिमम लगा सकते हैं क्योंकि साड़ी जो कमाई का जरिया तो है नहीं कोई स्कूल कमाई का जरिया नहीं है साडा साडा जो भी पैसा जो भी आना वैलफेयर लग जाता है बच्चों बच्चे ने वैलफेयर तो जो भी कर सकते बाकी सिख बच्चों जो असी अपनी स्कूल हैगा उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के फीस के जो भी कंसेशन दे सकते हैं एज ए चेयरमैन के फंड के वो सारी फंड देंगे इन्हों काफ़ी सारे बच्चों कोई फादरलैस बच्चा हैगा वो लिए की जाती जा किसी रिलीजन बिलोंग करता कोई अगर अपना कोई सिंगल मदर हैगी है अगर हिडन फादर है किसी का वो प्रॉब जो भी फीस लीड़ी अद्धी फीस पूरी फीस सब माफ़ की जाती उन्होंने। सर अपने स्कूल दे विच टीचर नॉन टीचर स्टाफ कितना है? बेटा मेरा ख्याल साढ़े कोल इस टाइम टोटल मेरा ख्याल 240 के करीब होएगा 240 के करीब। तो सर क्लास दे विच कितने बच्चे होंगे और उधर ते कितने टीचर्स होंगे ने? बेटा सर देखो बच्चे साढ़े कोल असी छोटे जिहड़े साढ़े छोटे सैक्शन हैगे उत्ते असी 20 25 बच्चे रखदे मैक्सिमम प्री नर्सरी वगैरह छोटे छोटे बच्चे ने उस तो उपर जाके साड़ी स्ट्रेंथ होंगी 45 के करीब। सर स्कूल दे विच स्कॉलरशिप और मैन्योरिटी दे की बेनीफिट्स दे रहे हो तुसीं? बड़ा स्कूल मेरा ख्याल करीब 250 बच्चा असी साडे स्कूल का बच्चा बेनीफिट लै रहा साडे एक डेस्क लगा गया स्पैशली डेस्क है कोई स्कूल किसी स्कूल च नहीं है साडे सिर्फ दो आदमी सिर्फ इस काम लई रखे गए हैं कि जेडे अवेयरनैस करते हैं पेरेंट्स को कि तुसीं अपनी मिनोरिटी है चाहे SC ST OBC है मैं जानता कि मैं तुहानूं छोटी जी गल दसदा कि एक छोटे जी गल दसदा एक बच्चा सी बहुत इंटैलीजेंट सी हिंदू फैमिली का बच्चा सीगा इंटैलीजेंट बड़ा सीगा अगर बच्चा स्कॉलरशिप करके वो बच्चा अज MBBS कर रहा है मैडम बैठी है जानते मैडम उन्होंने उस बच्चे कि वो बच्चा नहीं पैसे दे सकता सी लेकिन स्कॉलरशिप ने उस बच्चे पढ़ा दिता अज बच्चा वो नीट क्लीयर करके अज बच्चा MBBS कर रहा है अपना गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल तो लेकिन मैं कहना ये सानू असी अज भी कहने कि लोग मैं एक थोड़ी तुम्हें कहना चाहवागा कई लोग साढ़े ना जात पात नू करके मैं OBC सर्टिफिकेट बना लाँगा मैं नीवा हो जाऊँगा मैं हो जाऊँगा लेकिन नहीं करना चाहिए अगर अपने तुम है वो सरकार तुम्हें बेनीफिट दे रही है वो बेनीफिट लैना चाहिए करीब करीब तो 25-30 हज़ार रुपया तो आ जाता है और तुम अपने अद्धे पैसे अपना बच्चा स्कूल पढ़ा अच्छे स्कूल पढ़ा सकते तो असी तो स्पैशल साढ़े स्कूल और किसी स्कूल से नहीं मिलेगा तुम्हें जिना बेनीफिट असी अपने बच्चों को दवा रहे हैं उस कार वर्कशॉप लगती सब बच्चों समझाया जाता है इतने एक ड्यूटी लगाई जाती है वो सब कुछ देखता आके सब के फार्म भराए आप देखो हाले भी मेरे लागे पिया होगा ये सब कुछ दसाया जाता बच्चे कि तुम कि डॉक्यूमेंट्स लैके आने तो बड़े लोग बेनीफिट चक रहे हैं। सर स्कूल नू लेके की विचार ने तुहाडे? हांजी स्कूल नू लेके की विचार ने तुहाडे? मैडम स्कूल नू लेके विचार साडे इस दे कि असी चाहुंदे कि अज तो ना कल तो परसों बैटर होना चाहिए हर पासों चाहे स्ट्रक्चर होवे चाहे एजुकेशन होवे मैं एक्चुअली चाहता कि मैं इस टाइम जानता कि उस टाइम हुण कंपीटीशन बहुत वध गया कोई टाइम से स्कूल घट हुंदे सीगे ते तुसी चल जांदे सी आराम नाल
लेकिन अज का टाइम हैगा बहुत स्कूल आ गए, बहुत स्कूल हो गए और कंपीटिशन बहुत हार्ड हो गया। सिर्फ सानू थोड़ी जी प्रॉब्लम हैगी, साडा स्कूल एक रोड तो काफ़ी अंदर जाके, साडे स्कूल का पता भी नहीं लगता, शायद तुसीं भी आए होगे ना, पुछ के आओगे किसी को कि स्कूल कित्थे हैगा। अगर 3.5-4 एकड़ का स्कूल होवे लेकिन उहदी एंट्रेंस नहीं हैगी, वो एंट्रेंस करके सानू बड़ी प्रॉब्लम जी हैगी है कि असी ना काफ़ी अंदर गली च आ जाते हैं। तो सानू अपनी हुण साडे अज प्रिंसीपल सर नाल गल हो रही थी, हुण असी अपनी ऐड करके साडे को एक्चुअली बच्चा जिन्ना बच्चा साडा उन्ना है, लेकिन असी सैटिस्फाई नहीं है कि उसके उपर असी समझे घट्ट तो घट्ट साडा बच्चा 400-500 बच्चा वध जाए। हुण असी ऐड सोच रहे की करना है कि बच्चा वधाना है, लेकिन सानू थोड़ी प्रॉब्लम हैगी है कि साडा स्कूल अंदर रेस कर पता नहीं लगता। अगर साडे को ऐसे मेन रोड से स्कूल होवे कुछ तरह बहुत कुछ कर सके, लेकिन अंदर होने करके थोड़ी सानू प्रॉब्लम है। संगत नू की मैसेज देना चाहोगे तुसी? देखो संगत नू मैं मैसेज देना चाहूँ, एक तो तुसी जिन्हें भी सुनते हैं तो स्कूल से आओ, एक बार आओ विजिट करो, तुसी अपने बच्चे नू लैके आओ। तुसी देखो मैं जानता कई स्कूल ऐसे ने इन्ना पैसा लै रहे, जिन्ना असी फीस लै 19 फीस वो लै रहे हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी देखोगे तुसी, फैसिलिटी 00 तो अपने क्लासरूम च नहीं आने देंगे। कोई पेरेंट क्लास असी मैं कह रहा आओ साडे क्लासरूम, आओ साडे तुसी वाशरूम देखो कि बच्चा जाता ना किसी के घर जाता क्या, तो वाशरूम दिखा दे रहा वाशरूम कितना है। हम असी लोग घर जाए वाशरूम देखते, अच्छा तुम जाओ स्कूल वाशरूम देखो, उनका वैसे देखो क्लास देखो, साढ़े टोटल एक भी कमरा विदाउट वेंटीलेशन नहीं है, जिस मर्जी कमरे का वेंटीलेशन है। तुम एक जाओ अच्छे 30-40 बच्चे ने, साढ़े 20 बच्चे पढ़ते हैं क्लास के, असी 5 सैक्शन बनाते हैं, असी 3 सैक्शन कम कर सकते हैं लेकिन 5 सैक्शन बनाते हैं कि और नाले देखो ना जाके प्राइमरी सैक्शन देखो अगे देखो, तुहानू लगे वाकई ही अलग है स्कूल बाकी स्कूलों नाल बिल्डिंग वाइज। तुम स्पोर्ट्स से देखो, कोई स्कूल मैं कहता अब देखो बच्चे जिते मैं कहना 10 मीटर ही दौड़ नहीं हो सकती स्कूल के, इस स्कूल जो 100 मीटर ही दौड़ होंगी है, सीधा 100 मीटर दौड़ सकता बच्चा। ये ना स्कूल बाकी स्कूलों बहुत डिफरेंस है, जो बाकी स्कूल देखोगे तुम तो पेरेंट्स को आके देखना चाहिए इतने आके स्कूल किस तरह स्कूल है। अभी विजिट करावे दिखावे उन्होंने, क्लास दिखावे सब कुछ दिखावे उन्होंने कि देखो आके स्कूल साढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सर, तुसी टाइम दिता सानू इन्ना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इंटरव्यू लाँगे कंप्यूटर दे सर हैगे ने सुखदीप सर, अज असी उन्होंने पुछते हैं उन्होंने बैकग्राउंड की हैगा और किस तरीके बच्चों क्लासेस विच वर्क करवाते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल मैम। आप जी का नाम सर? मेरा नाम सुखदीप सिंह। सर आप जी का बैकग्राउंड? बैकग्राउंड मैं स्कूल च 1996 ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट मैं 27 ईयर अपने सर्विस दे कंप्लीट कर चुका हाँ। और जब मैं ज्वाइन किया तो मैं मिडिल क्लासेस तो स्टार्ट किया, तो हूँ मैं इतने एज अ PGT कंप्यूटर साइंस टीचर हैगा हाँ। तो इस अलावा होर भी कई रिस्पोंसिबिलिटीज जो सानू सर वालों दी गई हैं वो असी संभाल रहे हैं। सर आप जी की डेरिनेशन की है? मैं इस टाइम PGT कंप्यूटर साइंस टीचर है। कितने साल हो गए आप जी स्कूल? मैं ऑलमोस्ट 27 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और तुम बच्चों को की करवाते हैं? साढ़े को जिदा सीनियर क्लासेस ने 11th 12th उसके असी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराई दी है, हूँ जो लेटेस्ट साढ़े को चल रहा है कंप्यूटर विच साढ़े को 2 सबजैक्ट्स है मेन जिन्हों से कहने कंप्यूटर साइंस सबजैक्ट है, तो दूसरा IP इनफॉर्मैटिक प्रैक्टिसिस जो कि कॉमर्स वाले बच्चों लिए है। तो असी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने पाइथन विच प्रोग्रामिंग कराई दी है, उस तो अलावा डाटाबेस का है, SQL है, ये तो है जो 11+2 वाले बच्चों के है। उस तो अलावा जोड़े क्लास 10 तक बच्चे ने उन्होंने जनरल कंप्यूटर के पार्ट में असी HTML MS Office स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग यदि इंट्रोडक्शन देई दी है। कि क्लास में कंप्यूटर करवाते हो तुसे? वैसे कंप्यूटर तो हर एक क्लास में ही है साढ़े स्कूल, लेकिन जिमें कि आप जी ने दसिया मैं क्लास 10th तक ये जनरल कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, 10th तो बाद +2 लाइक +1 और +2 ये मेन सब्जेक्ट बन जाता है साइंस वाले जो सैक्शन ने मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, तो नाल जो कॉमर्स के सैक्शन ने विदाउट मैथ्स वाले उन्होंने एक सब्जेक्ट मिलता है। तो +1 जो कंप्यूटर साइंस है तो उन्होंने असी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराई दी है, इदा ही जोड़े नॉन मैथ्स वाले कॉमर्स के बच्चे ने उन्होंने भी असी पाइथन प्रोग्रामिंग ही कराई जो कि CBSE का करिकुलम है। सर स्कूल दे विच बच्चों और कंप्यूटर लैब बच्चों की फैसिलिटियाँ दी जाती हैं? कंप्यूटर लैब विच असी
जिन्हों का मेन सब्जेक्ट है उन्होंने असी नॉर्मली ये कही कि जो थोड़ा कोई फ्री पीरियड है कई बच्चों का इंट्रस्ट बहुत होंगे प्रोग्रामिंग तो असी उन्होंने पीरियड वाइज अपने को मेनटेन रिकॉर्ड रखी है कि बच्चा इतने फ्री पीरियड जाके प्रैक्टिकल करना चाहता है तो साढ़े को अपना नाम लिखवा सकता है पहले ही तो फ्री पीरियड से उन्होंने कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है तो वो प्रैक्टिस करते हैं आके प्रोग्रामिंग की उन्होंने फाइल्स बन दिया ने प्लस टू में उन्होंने CBSE के प्रैक्टिकल्स होंगे ने जिद उन्होंने आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करके शो करने होंगे ने इस तो अलावा बच्चों ने अपनी PVT प्रेजेंटेशन उन्होंने असी कॉम्पीटिशन कराने क्विज़ होंगी है बच्चे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं जिदा साढ़े स्कूल हाउस ने बच्चे हाउसिज डिवाइडेड ने तो इंटर हाउस कॉम्पीटिशन होंगे ने इदा ही सूँ बाकी स्कूलों तो कॉल्स आदि कॉम्पीटिशन तो वो वास्ते असी बच्चों प्रिपेयर करीदा है होर भी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाने ने प्रैक्टिकल्स करने ने कुछ उन्होंने अपना सर्च वर्क करना है तो उन्होंने असी प्रोवाइड कराई दा कंप्यूटर सारा बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीप सर आप जी नाल मिल के बहुत अच्छा लग्या बहुत अच्छे तरीके नाल बच्चों नूं तुसीं वर्क करवा रहे हैगे हो बहुत बहुत धन्यवाद सत श्री अकाल सर सत श्री अकाल जी सर आप जी का नाम नवजीत सिंह खेड़ा सर आप जी दी बैकग्राउंड की हैगा मैं स्कूल ज्वाइन किया 99 अगस्त ऑलमोस्ट 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए इनिशियली आई ज्वाइंट एज अ PRT तो प्रेजेंटली मैं PGT अकाउंटेंसी हाँ इन एडिशन टू दैट कंप्यूटर भी टीच कर रहा एंड इन नाल नाल मेरे को CC एक्टिविटीज़ भी ने असैम्बली की इंचार्जशिप भी है एंड इस तो पहला मेरे को प्रीफेक्ट इंचार्जशिप भी सी स्टूडेंट काउंसिल दी सर आप जी बच्चों की करवाते हैं कि सब्जेक्ट्स द्वारा करवाते हो मैं बच्चों अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ टीच कर रहा तो कंप्यूटर भी टीच करदा इन एडिशन नाल दे नाल बच्चों की फैसिलिटियाँ दित्तियां जांदियां ने लाइक बच्चों की ग्रूमिंग वास्ते एज अ बेसिक जी रिक्वायरमेंट है टीचिंग वो तो असं कर रहे हैं सबजैक्ट इनरिचमेंट इन एडिशन असी बच्चों होर डेवलप करने लिए उन्होंने सोशल ट्रेट्स डेवलप करने लिए काफ़ी कॉम्पीटिशन ऑर्गनाइज कर रहे हैं जिमें मैं CCA कोआर्डीनेटर हाँ तो असी लास्ट ईयर 13 कॉम्पीटिशन ऑर्गनाइज किए डिफरेंट डिफरेंट तरह के 13 सीनियर्स वास्ते किए मोर अराउंड 15 असी ऑर्गनाइज किए मिडल सैगमेंट वास्ते जस्ट टू डेवलप देयर आल टाइप्स ऑफ स्किल्स कि उन्होंने हर तरह का स्किल डेवलपमेंट होए सर जिस तरह तुम बहुत पुराने टीचर्स हो और टू ईयर बिफोर कोविड रिजल्ट और परसेंटेज बच्चों की और प्लस बच्चों का स्ट्रगल की रहा है देखिए कोविड एक बड़ा क्रूशियल टाइम सी साढ़े ले भी बच्चों ले भी उन्हां दे पेरेंट्स ले भी इनफैक्ट ओवरऑल सोसाइटी ले एक अनएक्सपैक्टेड मूवमेंट सी साढ़े ले कि जिन्हों असी फेस किया तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी तरह असी ऑनलाइन सिस्टम नू अडॉप्ट किया उनके बेसिस से बच्चों नू टीच किया और बड़े क्रूशियल टाइम में असी हर तरह की कोशिश की कि जिंदे च बच्चों नू इस सिस्टम नू एक्सैप्ट करने असी कंफर्टेबल करिए और मोरओवर असी सोसाइटी के होर बाकी बच्चों नू भी नाल दे नाल कोरिलेट किया तो उन्होंने भी असी किसी तरह सपोर्ट किया तो फाइनली बाबा जी की मेरे नाल असी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो अपने आप नू सेफली बाहर कट के लैके आप जी नू सीनियर्स का कितना सपोर्ट रहिंदा है 100% सपोर्ट ईवन मोर दैन 100% क्योंकि साड़ा स्टाफ पूरा कोऑपरेटिव है मैनेजमेंट साढ़े प्रिंसीपल सर बहुत ही अच्छी तरह ना एक दूजे नाल मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं कभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई आज तक थैंक यू सर बहुत वधिया तरीके ना तुसी बहुत पुराने भी और बहुत अच्छे तरीके ना स्टूडेंट नू संभाल रहे हैगे और अच्छे तरीके ना वर्क कर रहे हैगे ओदे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर अज असी कैमिस्ट्री दी मैम नूं मिलांगे पुछांगे कि बच्चों किस तरीके ना लैब दे विच वर्क करवाया जांदा हैगा आओ मिलदे हैगे उन्हां नाल गलबात करदे हैगे सत श्री अकाल मैम सत श्री अकाल मैम आप जी दा नाम की है मैम जसबीर एम सैनी मैम आप जी दा बैकग्राउंड की है मैम आई एम MSc केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना टाइम हो गया आप जी नूं इत्थे 18 ईयर्स मैम बच्चों की करवांदे हो इत्थे बच्चे लैब दे विच मैम इतने असी सारे प्रैक्टिकल जिहड़े भी कोर्स नाल रिलेटेड प्रैक्टिकल्स ने सारे करवाने सारी फैसिलिटी सानू प्रोवाइडेड ने जब भी सानू जो भी कैमिकल्स रिक्वायरमेंट होंगी है या कोई भी ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट होंगी है असी रिक्वजिशन भेज देने और सानू मिल जाती है
सर ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने कदे भी सानू किसी भी चीज़ लिए मना नहीं किया है, हमेशा जिहड़ी भी चीज़ की लोड़ हुंदी है सानू प्रोवाइड करवाते हैं। सर आप जी की डेडिनेशन की हैगी? मेरी पी जी टी केमिस्ट्री मैम। और किन्ने साल हो गए आप जी ने इत्थे? 18 ईयर्स जी। बच्चों को किस तरीके ना फैसिलिटियाँ दीतियाँ जा रही हैं? बच्चों मैम सारे बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स प्रॉपर अपना अपना इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, जेडे जेडे ऑपरेटर्स उन्होंने चाहिए होंगे से सारे प्रोवाइड करते हैं सारे बच्चों। मैम आफ्टर टू ईयर आफ्टर बिफोर कोविड रिजल्ट परसेंटेजेज और बच्चों का स्ट्रगल की रहा है? डेफिनेटली मैम कोविड के दौरान तो कोविड के बाद मैम बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत सानू भी करनी पै रही है, उन्होंने बच्चों भी मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पै रही है क्योंकि 2 साल बच्चे घर बैठे हैं तो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जो सी वो नहीं हो पा रही थी, तो हूँ जब स्कूल खुले हैं बच्चे आए हैं स्कूल में उन्होंने परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली उन्होंने हूँ फायदा हो रहा है मैम, डेफिनेटली रिजल्ट बैटर आए। थैंक यू मैम, आप जी ने मिलकर बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद। सत श्रीकाल मैम जी। सत श्रीकाल। आप जी का नाम मैम? सतनाम कौर। मैम आप जी का बैकग्राउंड की है? मैं MSc BEd हूँ और MSc इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। की डेडिनेशन है आप जी की? मैं बायोलॉजी PGT बायोलॉजी। कितने साल तो तुसी इत्थे पढ़ा रहे हो बच्चों? मैं लगभग 23 साल तो पढ़ा रही हूँ। केड़ी केड़ी क्लास नू पढ़ांदे हो? 11th एंड 12th। ओके मैम की फैसिलिटियाँ दित्तियां जांदियां बच्चों नू? स्कूल विच अगर आपां प्राइमरी विंग की गल करिए तो स्मार्ट क्लासेस हैं, बच्चों नू प्लेग्राउंड बहुत अच्छी है, स्कूल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी है, इवन दे वी आर हैविंग वेरी वेल बच्चों की जो प्लेग्राउंड विच बहुत सारे बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और इवन हम साडे टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, दे आर डूइंग रियली हार्ड वर्क और बच्चों नू आपां एक्सकर्शन की गल करिए तो जिथे सानू लैके जाना पावे तो आपां बच्चों नू उत्थे भी लैके जाने, एक्सकर्शन वेरियस फील्ड विच लैके जाने। कितने साल हो गए मैम आप जी ने इत्थे? मैनू इत्थे 23 साल हो गए। जिस तरह मैम तुसी बहुत पुराने टीचर्स हो तो मैम यह चीज़ दसो कि 2 ईयर आफ्टर और 2 ईयर बिफोर कोविड रिजल्ट और परसेंटेज एज के बच्चों का स्ट्रगल की रहा है? बच्चों ने स्ट्रगल ये रहा है कि बच्चों की वैसे तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, बट फिर भी बच्चों बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पाए क्योंकि बच्चों की डायरेक्ट फेस टू फेस इंट्रैक्शन जो टीचर्स के नाल हुंदी है वो नहीं हो पाई, ठीक है, बट स्टिल साडे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बच्चों ऑनलाइन क्लासेस विच उन्होंने पूरी हेल्प की और बच्चों ने भी पूरी गाइडेंस नू फॉलो किया और रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट विच कुछ परसेंटेज होएगी थोड़ा बहुत अगर उहदा डाउनफॉल आया, अदरवाइज रिजल्ट परसेंटेज साडे स्कूल की बहुत अच्छी रही। अदर बच्चों नू तुसी की सिखांदे हैगे और फैसिलिटियाँ की है स्कूल दे विच? और स्कूल विच हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, अगर असी बच्चे की सब तरह की होलिस्टिक डिवेलपमेंट होंगी है, बच्चे की ऑलराउंड डिवेलपमेंट है, स्पोर्ट्स के हर तरह के स्पोर्ट्स साडे स्पोर्ट्स टीचर करवाते हैं, अंदर टीचर जो है साडे क्लासरूम विच दे आर वेरी वेल डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग और दे आर ऑलसो वेल क्वालिफाइड ऑलसो, सो बच्चों हर तरह की मतलब कि उन्होंने बच्चों की हर लैवल पर उन्होंने हेल्प की जाती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग्या मिल के तुहानू, आप बहुत पुराने टीचर्स भी और बहुत अच्छे तरीके ना बच्चों सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्रीकाल मैम। सत श्रीकाल। आप जी का नाम? माधुरी अग्रवाल। माधुरी जी आप जी का की बैकग्राउंड है? मैं दिल्ली से ही बेस्ड हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली एंड आई टीच इंग्लिश इन द स्कूल। आई हैव रिसेंटली जॉइंड इन द स्कूल बट आई एम रियली लाइकिंग इट हियर एंड आई एम टेकिंग इंग्लिश ऑफ मिडिल सेगमेंट। की डेडिनेशन है तुहाडी? TGT इंग्लिश। किन्ने टाइम तो तुसी इत्थे हो मैम? आई हैव जॉइंड फ्रॉम लास्ट ईयर इन द स्कूल। और तुसी की केड़ा सब्जेक्ट करवा रहे हो बच्चों नू? इंग्लिश। और आप जी केड़ी केड़ी क्लासेस नू करांदे हो? आई टेक 7th एंड 8th। और आप जी जो करवांदे हो सब्जेक्ट वगैरह करवांदे हैगे हो बच्चों नू, उस तरीके किस तरीके ना समझांदे हो कि बच्चों नू अगर नहीं समझ आंदा तो उस दे वास्ते बच्चों नू की फैसिलिटी दिंदे? सी इंग्लिश इज़ एन ईजी सब्जेक्ट बट समटाइम्स द स्टूडेंट्स टेक इट यू नो इन अ डिफिकल्ट मैनर बिकॉज ये हमारी मदर टंग नहीं है, दिस इज़ नॉट आर मदर टंग, सो समटाइम्स दे फील डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश बट वी मेक इट वेरी क्लियर एंड वी मेक अ कम्फर्टेबल एनवायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स
that even if they are not speaking well in English, so they are encouraged to speak in English, and if there is any problem they can have their doubts with me. There's no problem in asking. Ki facilities de rahe ho tusi bachcha nu school de vich? See, there are many facilities in our school. We have, as you have seen, we have a big campus in the school. We have the biggest labs in our school amongst all the branches of GHPS. Then we have a very nice library, computer room. We have various sports teachers for sports like hockey, badminton. We have yoga. Then we have various work-ex activities here like nail art, mehendi, public speaking courses. So varied courses for all backgrounds and for everyone. Seniors, da kinna support rehnda tanu? I have a very supportive seniors. Since I have been in this school, I am welcomed with very warm hearts and very, very cooperative senior teachers and principal sir, of course. Thank you so much, ma'am. आप जी नू मिल के बहुत अच्छा लगया. आप जी बच्चे नू बहुत अच्छे तरीके ना सपोर्ट कर रहे हो. थैंक यू. सत श्रीकाल मैम. सत श्रीकाल जी. आप जी का नाम मैम? रमनदीप कौर. मैम केड़ी क्लास नू पढ़ाते हो तुसी? मैं 6th, 7th, 8th पढ़ाती हूँ. केड़ा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? स्टडीज़, सोशल स्टडीज़. आप जी का की बैकग्राउंड हैगा? मैं दिल्ली तो ही बिलोंग करती हूँ. तो मतलब मैं स्टार्टिंग तो ही आई हैव बिन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स. तो मैं गुरु हरकृष्ण स्कूल में ही पढ़ा रही थी. पहले भी मेरा हरगोबिंद इनक्लेव मेरी हैगा एक्सपीरियंस. मैं लास्ट ईयर स्कूल ज्वाइन किया. तो इतने मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हैगा. इतने स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव हैगा. सीनियर कितने साल तो इतने? मैं एवली ब्रांच में लास्ट ईयर तो हैगी. लास्ट ईयर में ज्वाइन किया है. उस तो पहले मैं हरगोबिंद इनक्लेव वाली ब्रांच से हैगी सी. की डेजिग्नेशन है ताड़ी? मेरा TGT SST. की फैसिलिटियाँ दे रहे हो स्कूल दे विच तुसी बच्चों नू? स्कूल देखो सारी फैसिलिटीज हैगियां ने कि जितना जो एक बच्चे नू चाहिए हैगी. एक असी साड़ी कोशिश होंगी कि असी बच्चे नू ऑलराउंडर बनाइए कि सिर्फ अकैडमिकली नहीं और स्पोर्ट्स विच भी अगे जाए. साड़ी इत्थे लाइब्रेरी हैगी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड हैगा. तो बच्चा एनी कि सिर्फ अकैडमिकली अगे जाए, ईवन अपना स्पिरिचुअल नॉलेज भी इत्थे प्रोवाइड की जाती है. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ने, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ने, वर्क एक्स की क्लासिज होंदिया ने, जिदे च कुकिंग हैगी है, पब्लिक स्पीकिंग है, परसनैलिटी डिवेलपमेंट है, डांस है. तो यह सब असी बच्चों ने प्रोवाइड कराते हैं. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगे आप जी ने मिल के. सत श्रीकाल मैम. सत श्रीकाल. सत श्रीकाल मैम. आप जी का नाम? मेरा नाम नवदीप एडन है. मैम आप जी का बैकग्राउंड की है? बैकग्राउंड एंड सच की आई हैव डन MA इन इंग्लिश एंड आई हैव डन BEd एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब और दिल्ली आई गॉट मैरिड. सो दिस इज़ माई बैकग्राउंड. कितना टाइम हो गया आप जी ने स्कूल दे विच? इट्स बिन नाउ 25 ईयर्स. 25 साल तो मैं इतने काम कर रही हूँ. काफ़ी अरसा हो गया, उनते काफ़ी टाइम हो गया. आप जी की डेजिग्नेशन हैगी? मैं TGT हाँ, इतने मिडिल सैगमेंट की मैं इंग्लिश लेंदी हाँ 6th, 7th, 8th. तो आप जी इतने स्कूल तो इन्ने टाइम तो है, इन्ने साल हो गए आप जी ने. तो मैम एक चीज़ दसो कि कोविड दे आफ्टर और बिफोर द रिजल्ट प्लस बच्चों का स्ट्रगल परसेंटेज एज से की फर्क पे है? डेफिनेटली कोविड ने बहुत इफेक्ट किया है साढ़े पूरे एजुकेशन सैक्टर नू. बट हैड्स ऑफ टू आर मैनेजमेंट. असी कोविड दे विच भी ऑनलाइन क्लासेज नाल बच्चों के नाल बहुत अच्छा इन टच रहे हैं. एंड जो इनफैक्ट स्कूल खुले तो सारे पेरेंट्स ही ऑलमोस्ट बहुत तारीफ कर रहे सी कि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अंथक मेहनत करके उन्होंने बहुत कनैक्टेड रखे पढ़ाई के नाल. और उन्होंने ग्रेड्स ऑफकोर्स उन्होंने राइटिंग स्किल्स काफ़ी फर्क पै गया से. उन्होंने लिखन की आदत नहीं रह गई सी और डिसिप्लिन भी उन्होंने काफ़ी फर्क है. शुरू के 2-4 महीने सानू बहुत मुश्किल हुई उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन करन च. बट नाउ दे आर डूइंग फाइन. हुन दे आर एडजस्टेड टू द न्यू सिनेरियो. तो दे आर डूइंग फाइन. बच्चों स्टडी विच कितना सपोर्ट मिलता है टीचर्स का? डेफिनेटली स्पेशली इन आर स्कूल तो टीचर्स दे हैव रियली बिग सपोर्टिव फैक्टर इन बिकॉज यू नो बच्चों असं इन्नी ज़्यादा क्लोजली एंड बिल्कुल फ्रॉम कह लो कि स्क्रैच वी टेल दैम, वी गाइड दैम एंड वी टेल दैम एवरी थिंग इन वेरी डिटेल. ईवन कोई वीक स्टूडेंट है तो उन्होंने सैपरेट क्लासेज होंगे ने. दे कैन कम टू अस एनी टाइम. उन्होंने पूरी फुल मतलब कि छुट्टी है कि कदों भी साढ़े को आके दे कैन डिस्कस दियर प्रॉब्लम्स. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बड़ा अच्छा एक कम्युनिकेशन जरा साढ़े बिच कम्युनिकेशन स्किल है ना, दैट इज़ रियली वेरी गुड. बच्चों की फैसिलिटियाँ मिलती है स्कूल के बीच? वट एवर फैसिलिटीज़ आर गिवन एज पर स्कूल नॉर्म्स
सब कुछ ने साडे इत्थे वी हैव गुड वेरी गुड ग्रामर डिपार्टमेंट ऑलसो बुक्स भी बड़ी अच्छी ने साडे कोल लाइब्रेरी विच हर साल अपडेट होंदियां ने साडी बुक्स बुक फेयर विच टीचर्स नूं भेजा जांदा है और सारी बुक्स अपडेट होंदियां ने लाइब्रेरी यू कैन सी द लाइब्रेरी ऑलसो इट्स रियली अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट बुक्स इट्स रियली गुड थैंक यू सो मच मैम आप जी ने मिलकर बहुत अच्छा लग्या बहुत अच्छे तरीके ने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद आप कौन सा सब्जेक्ट करवाते हैं बच्चों को हिंदी कराती हूँ कौन कौन सी क्लासेस को करवाते हैं मैम आप हिंदी का सब्जेक्ट तीनों क्लास मिडल की है सिक्स सेवन्थ एट्थ मिडल क्लास तीनों हाँ जी मैम कितने साल से हो आप यहाँ पर 15 ईयर्स हाँ जी तो मैम बच्चों को आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं बच्चों को बुक्स के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ाते हैं आजकल तो कोविड के बाद से जो नेट की सुविधाएं हैं बच्चों को वो सारा हम समझाते हैं कि कैसे वो विस्कोस उसमें देख सकते हैं जैसे नॉर्मली हम पहले वोकैबुलरी सारी बुक से कराते थे पर कोविड के टाइम हमने सारी नेट से उन्हें प्रोवाइड करवाई है कि वहाँ से भी बच्चे देख सकते हैं और रिटर्न वर्क वैसे भी कराते हैं साथ साथ पिक्चर्स दिखा कर भी कि पिक्चर के थ्रू भी हम समझाते हैं उन्हें सत श्रीकाल मैम सत श्रीकाल जी आप जी का नाम मैम अजीत कौर अजीत मैम तुसी आप जी का की बैकग्राउंड है मैम मैं इतने 17 साल तू पढ़ा रही हाँ एंड मैं PGT बिजनेस स्टडीज़ हाँ एंड एग्जामिनेशन इंचार्ज भी हाँ जो कि 4 साल तू मैं करवा रही हाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट जिदे CTET भी करवा रहे हैं और होम एग्जाम भी करवा रहे हैं एंड CBSE एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा रहे हैं मैम कितने साल हो गए आप जी ने इतने मैं 17 ईयर्स हो गए हैं मैम बच्चों नू किस तरीके ना की करवाते हो कि सब्जेक्ट करवा रहे हो तुसी बच्चों नू मैं बिजनेस स्टडीज़ कराती हाँ बेसिकली मैनेजमेंट है सब्जेक्ट अपना एड एक्ट्स करवाते हाँ बच्चों नू लर्निंग वाइल डूइंग अपना ज़्यादा फोकस करते हैं जिदे विच अपना केस स्टडीज़ उन्होंने कराते हाँ उदे च क्लासरूम टीचिंग जिदे ज़्यादा मतलब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि क्लास नू कराते मैम मैं क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज़ मैम बच्चों नू की फैसिलिटियाँ देंदे हैगे स्कूल दे विच तुसी क्लास वगैरह च मैम फैसिलिटीज़ की है उन्होंने डेवलपमेंट के चांसिस मिल रहे हैं उन्होंने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो एड एक्ट्स करते हैं एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है ये सब चीज़ा मैम जिस तरह तुसी काफ़ी पुराने टीचर हो तो बच्चों के कोविड तो बाद और पहले का की फर्क है बच्चों के परसेंटेज एज और बच्चों का की स्ट्रगल रहेगा ऑब्वियसली मैम कोविड तो बाद बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बच्चों बच्चों वास्ते और बच्चों नाल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पै रही है क्योंकि बच्चे 2 साल कर रहे हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने नहीं हुई है सो वी आर यू नो डूइंग आर बेस्ट थैंक यू मैम बहुत अच्छा लगे आप जी ने मिल के नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका KC दास क्षीरोज चंद्र दास सर आपका बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड बेसिकली आई बिलोंग टू उड़ीसा बट आई हैव बीन हियर इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 5 ईयर्स लेकिन जो मैं इस संस्था में पूरे GHPS में पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ सिंस 1995 क्या डेडिनेशन है आपकी PGT इकोनॉमिक्स कितने साल से हो आप सर यहाँ पर मैं यहाँ पे तो 5 साल से हूँ इसी स्कूल में लेकिन GHPS जो DSGMC मैनेज करती है तो उससे 28 साल हो गए 28 ईयर्स सो आई जॉइन द इंस्टीट्यूशन इन 1995 बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट करवाते हैं और कौन सी क्लास को करवाते हैं मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है PGT इकोनॉमिक्स हूँ मैं 11th और 12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ इस साल सिर्फ 12th क्लास को पढ़ाता हूँ बोर्ड एग्जाम के बच्चे बस क्या फैसिलिटी देते हैं बच्चों को आप फैसिलिटी मेरा जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं बच्चे क्योंकि आजकल आपको पता होगा जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल के पढ़ने के बाद जाके घर पे फिर ट्यूशंस लेते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्कूल में इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चे को ट्यूशंस की ज़रूरत ना पड़े और पढ़ाई के साथ साथ उनको एक इंस्पिरेशन दिया जाता है ताकि बच्चा ही शुड बिकम अ कम्प्लीट ह्यूमन बींग क्योंकि एकेडमिक तो अलग चीज़ है साथ साथ उसको एक इस तरीके से टीचिंग दी जाए ताकि क्लासरूम में हो या तो जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन टीचिंग में ज़्यादातर इंटरेस्ट रखते हैं तो घर पे भी मैं उनको इंस्पायर करता हूँ थ्रू इंटरनेट ताकि दे शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बींग तो ये सर कोविड के बाद और कोविड से पहले बच्चों की परसेंटेज एज और बच्चों का क्या स्ट्रगल रहा है ये तो बहुत एक डिफरेंस रहा क्योंकि कोविड के टाइम में हमने ऑनलाइन टीचिंग की तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा फ़र्क था जब बच्चे पहले आए थे तो 2-3 महीने उनको लगा थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्योंकि ये जो बैच लास्ट ईयर जो निकला वो 2 साल तो स्कूल आए नहीं तो 2 साल घर पे पढ़ाए उन्हें तो जब स्कूल आए तो उनका डिफरेंस पता चल गया जब बच्चे लिखने लग गए ना तो उनका लिखने में भी देर वॉज अ हर्डल बींग क्रिएटेड इन बिटवीन तो हमने महसूस किया लेकिन 2-4 महीने के बाद तो फिर वो एडजस्ट हो गया था नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल
स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को? स्कूल में लगभग सारे फैसिलिटी है, तो स्कूल क्या एक टाइप का फैमिली है, सो आई थिंक दिस इज़ अ सेकेंड फैमिली फॉर मी एंड वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स व्हाट एवर दे रिक्वायर। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। मैम आप जी का नाम? रश्मि सिंह। रश्मि मैम आप जी का बैकग्राउंड की है? आई एम अ हेयर लाइब्रेरियन इन GHPS। आप कितने साल से यहाँ पर हो मैम? फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। मैम आप बच्चों को किस तरीके से वर्क करवाते हैं और क्या क्या बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं? हेयर वी हैव लाइब्रेरी पीरियड फॉर ईच एंड एवरी क्लास। स्टूडेंट्स कम हेयर एंड रीड द बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। वी आर ऑल्सो हैविंग द सिस्टम ऑफ इशू एंड रिटर्न अकॉर्डिंग टू कैटलॉग्स। लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह प्रोवाइड करने का क्या बेनिफिट है बच्चों को, किस तरीके से, कुछ बताएंगे आप डिटेल्स में? एक तो बच्चे अपडेट रहते हैं, सेकंड थिंग जो उनका एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी उन्हें बहुत मटेरियल मिल जाता है लाइब्रेरी में, कि पर्टिकुलर उनको एक टॉपिक चाहिए। सेकंड थिंग करंट अफेयर्स के लिए वी आर ऑल्सो हैविंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जैसा जिस बच्चे का इंटरेस्ट है ही और शी कैन गेट एवरीथिंग हियर। क्या क्या और फैसिलिटी दी जाती है लाइब्रेरीज में? लाइब्रेरीज़ में बेसिकली तो इशू एंड रिटर्न ही सिस्टम है, कि जो बुक बच्चे को अपने अकॉर्डिंग अगर उसे कोई स्टोरी बुक्स चाहिए, कोई पीरियडिकल्स चाहिए या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही कोई टॉपिक चाहिए, कोई रेफरेंस बुक चाहिए, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक इशू करा सकता है इशू रिटर्न सिस्टम से। तो मैम आप दिखाएंगे कैसे, कुछ आप किस तरीके से बच्चों को करवाते हैं? यस मैम, ये हमारा सेक्शन है इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बेसिकली फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। देन वी हैव अ नंबर ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज एंड डिक्शनरीज ऑल्सो, दीज आर रेफरेंस बुक्स एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अपडेटेड हेयर। ओके मैम, देन वी हैव रेफरेंस बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। वी ऑल्सो हैव अ सेक्शन ऑफ आवर डिविनिटी रिलेटेड टू सिख हिस्ट्री एंड हेयर वी हैव अदर सेक्शन दैट इज ऑल्सो रेफरेंस सेक्शन। इन दिस वी ऑल्सो हैव बुक्स रिलेटेड टू CUET and many other entrance exams also. हिंदी वगैरह की और भी बुक्स वगैरह होती है मैम? हाँ जी, हिंदी में हमारे पास सारे सेक्शंस हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, कविताएँ भी हैं, नॉवल्स भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा लाइब्रेरी में आके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है टीचर्स से हमें भी, और धन्यवाद आपसे मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। मैम आप जी का नाम? मेरा नाम हरविंदर कौर। अरविंदा मैम तुसी आप जी का बैकग्राउंड की है? मेरा बैकग्राउंड है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तो किया है, अपनी पढ़ाई की है, उसके बाद बीएड की है, इतने मैं 9-10 की इंचार्जशिप मेरे को हैगी है, तो जिमें कि DSGMC का यह अदारा है, विद्यक अदारा है, ये इस्टैबलिशमेंट हुई सी July 1981 हुई सी, तो मेरी ज्वाइनिंग है 1979 की, नीयर अबाउट 34 ईयर्स मैं हो गए हैं, तो उदो तो ही मैं पंजाबी पढ़ा रही हाँ विद्यार्थियों, तो बड़ा वधिया मतलब कि लगता है पढ़ा के अपने सभ्याचार नाल, अपने कल्चर दे नाल जदों विद्यार्थी जुड़ते हैं, तो सानू फील ये होंदा है कि जिहड़ी पनीरी साडी हैगी अजकल दियां जिहड़ियां कि सभ्याचारां तों दूर होंदी जा रही है ना, सानू एक मौका मिले कि असी अपने विरसे नूं उहनां तक पहुँचाइए, तो सब तो वड्डी वड्डा एक बैनीफिट, एक लाभ सानू इस इंस्टीट्यूट विच इह लगदा है कि साडे कोल जिहड़े नॉन पंजाबी बच्चे ने है ना, तो उन्हां तक आपां किवें अपने धर्म नूं ते अपने सभ्याचार नूं अपने रीति रिवाजों नूं पहुँचाइए, जिहदे वास्ते असीं टाइम टू टाइम समय समय ते कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करते रहिंदे आ, जिहदे विच विद्यार्थियों नूं सिखण दा भाग लेके उन्हों ग्रहण करन दा मौका मिलदा है। की फैसिलिटियाँ दित्तियां जांदियां बच्चों नूं और तुसीं कीड़ी कीड़ी क्लास नूं पढ़ा रहे हो? मैं 9th एंड 10th नूं पढ़ाउंदी हां, 9वीं 10वीं नूं। फैसिलिटीज़ देखो जी, मैनूं तां प्राउड हुंदा जदों मैं अपने स्कूल दा प्ले ग्राउंड देखदी हां, क्योंकि मोस्टली अर्बन जिहड़े एरिया ने जिहड़े स्कूल जिहड़े साडे इत्थे बने हुए ने उहनां दे विच की हुंदा कि प्ले ग्राउंड बच्चों नूं अवेलेबल नहीं हुंदा, हुण साडा इन्ना वड्डा प्ले ग्राउंड है कि उसी खेड दे मैदान दे विच इक्को टाइम काफ़ी जमातां जाके उत्थे खेड सकदियां ने है ना, कंप्यूटर की फैसिलिटी एक मुख है, बच्चा अगे जाके अपना रुजगार कंप्यूटर दे विच करा सकदा है, और वख-वख विशे तां पढ़ाए जांदे ने, बच्चों नूं स्पैशलाइज़ कीता जांदा है,
चित्रकारी सिखाई जाती है, पेंटिंग सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता, संगीत बच्चे सीखते हैं, है ना। इस तो अलावा साढ़े स्कूल के बच्चे जो खेड के मैदान में बहुत अगे ने, नैशनल तक पहुँचे हुए, राष्ट्रीय पद्धर से भी खेडते हैं, तो होर जोड़े भी जिमें वक् वक् जोनल के मुकाबले होंगे ने उ भी मतलब कि वधिया तो वधिया अव्वल दर्जे के प्राइज़ बच्चे लेके आते हैं। मैम आप जी को सीनियर्स का कितना सपोर्ट मिलता है? देखो जी मैं थोनू कहना चाहवागी कि जो टीचर्स बनते हैं ना तो टीचर्स के बहुत क्वालिटीज़ होंगे ने, है ना। पहली क्वालिटी होंगी है कि भी टीचर जो मर्जी हो जाए अपना आत्म सम्मान ना छड़े, अगर गलत हो रहा है तो उन्होंने गलत कहने की हिम्मत रखे, ताकि क्योंकि बच्चा रोल मॉडल अपना टीचर चो लभदा है, ठीक है। तो दूसरी गल जो एक वधिया टीचर गुणी अध्यापक जोड़ा होंगे ना वो सब तो प्लस पॉइंट होंगे सहयोग का, तो मेरा जोड़ा स्टाफ है सीनियर सारा ही सहयोगी है, आपस में तो सहयोग करता ही है, तो बच्चों भी 24/7 अगर कोई रात को बच्चा 12 बजे भी पढ़ के देख रहा ना कि मैं कोई डाउट है तो 12 बजे उन्हें मैसेज किया, अगर टीचर जाग रही है तो रिप्लाई करेगी, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग जो उन्होंने देखेगा मैसेज उसी टाइम रिप्लाई करेगी। तो सहयोग तो है ही है, बिना सहयोग तो स्कूल नहीं चलता, और साढ़े स्कूल का तो नाम है आई लव माई स्कूल, प्यार है मैं अपने स्कूल के नाल। थैंक यू सो मच मैम, आप जी ने मिलकर बहुत ही वधिया लग्या, बहुत वधिया तुसी सिखांदे हो बच्चों और सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्रीकाल मैम। सत श्रीकाल जी। आप जी का नाम की है मैम? रमिंदर कौर। मैम आप जी का बैकग्राउंड की है? मैं PGT पंजाबी हाँ, और मैं इस स्कूल 33 ईयर्स हो गए ने। हाँ जी, तो जो ये स्कूल साढ़ा 1981 शुरू होया सी उदों तो मैं उन्होंने कली, साढ़ा स्कूल बहुत छोटा जहा सी, एक कली नूं मैं एक प्रफुल्लित होए हुंदे हुए देखा, एक गुलाब दे फुल वंगन बनते हुए देखा उन्होंने, कि यह स्कूल साढ़ा बहुत ही ग्रोथ उदे विच हुई है और बहुत ही अच्छे ढंग नाल हुई है। रविंदर मैम आप जी की ग्रेजुएशन की है? PGT और सीनियर इंचार्ज हाँ मैं 11th and 12th दी, और 2004 तो मैं इत्थे काम कर रही हूँ, वड्डे बच्चों नूं उन्हां दे मनोस्तर नूं वधाउण दी कोशिश असी कर रहे हैं, यतन कर रहे हैं, मैनूं यह रिसपोंसीबिलिटी दिती है तो मैं और रिसपोंसीबिलिटी बहुत अच्छे तरीके नाल निभा रही हूँ। मैम जिस तरह तुसीं 34 ईयर्स तो, हाँ जी, और बच्चों नूं की सबजैक्ट पढ़ा रहे हो? मैं पंजाबी सबजैक्ट पढ़ा रही हूँ 11th 12th नूं जी। हाँ जी मैम, कोविड तो बाद और कोविड तो पहले बच्चों की परसेंटेज एज और उन्हों का स्ट्रगल और परसेंटेज एज से की फ़र्क पिया है? कोविड तो बाद दे बच्चे तो बहुत ही उन्हों का स्तर नीचे गया है, लेकिन टीचर्स ने इन अध्यापकों ने इन मेहनत की करके तो उन्होंने उस लैवल तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हूँ भी बच्चे अजे उस स्तर तक नहीं पहुँचे, और टीचर्स की मेहनत सदका बच्चे हूँ अगों होर वधनगे, उन्हां दी उहदे योग्यता विच होर बढ़ोतरी होएगी। तुसीं बच्चों नूं कैसे सपोर्ट करदे हो और की फैसिलिटियां दे रहे हो? साढ़े स्कूल विच ते बहुत फैसिलिटीज़ है, साढ़े प्रिंसीपल दे यतन सदका मेहनत सदका असी हर फील्ड विच अगे जा रहे हैं, असी पढ़ाई दे नाल नाल असी सारियां साडियां जिहड़ियां योग्यतावां है बच्चों विच असी भरना चाहते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई दे नाल नाल बाहर जदों खेत्र विच जाण ते अपने स्कूल का नाम रोशन करन। तो मैम बच्चों नूं होर की सिखाते हैं तुसी अदर पंजाबी तो इलावा? पंजाबी तो इलावा मैं बच्चों नूं जिवें साढ़े 11th 12th दे बच्चे है टीनेजर हो जाते हैं, उन्हां च कई चीज़ां आंदियां जिहड़ियां बच्चों नूं समझ नहीं आंदियां, असी उन्हां दी मैं उन्हां दी काउंसलिंग करदी हाँ, और बच्चा माँ वंगन भी करदी हाँ अध्यापक वंगन भी करदी हाँ, तो वह फिर उहदे विच थोड़ा जिहा उन्हां च बदलाव आ जाता है, और बदलाव सदका फिर वह सब का सत्कार करना शुरू कर देंदे है। थैंक यू मैम, बहुत वधिया लग्या आप जी नूं मिलके, सत श्री अकाल। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी, असी अज आए हैगे आ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल शादरा लोनी रोड, तो आओ असी बच्चों का इंटरव्यू लैने है, बच्चों को पूछते हाँ कि स्कूल चो उन्होंने की करवाया जा रहा है और किस तरीके ना टीचर्स का सपोर्ट है। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल। आप जी का की नाम है बेटा? अनन्या। अनन्या जी कौन सी क्लास में बेटा आप? 7th B। आपको टीचर्स का पढ़ाने में कितना सपोर्ट है? टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ काफ़ी कोऑपरेटिव है,
और काफ़ी एक्सपीरियंसड है टीचर्स हम अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। कितना टाइम हो गया बेटा आपको स्कूल में इसमें? मैम 9 ईयर्स। 9 ईयर्स हो गए हैं। और आपको गेम्स वगैरह और अदर क्या फैसिलिटी मिल रही है स्कूल में? मैम गेम्स में हमारे हर साल हमारा स्कूल नई गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। हमारी गेम्स के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और मतलब हर एक बच्चे को चांस देते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू बेटा। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा आप जी का? वैष्णवी मलिक। आपको कितना टाइम हो गया स्कूल में? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। क्लास आपकी? 7th E। 7th E। और आपको टीचर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाने में? टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, एक यूनिक वे से पढ़ाते हैं जिससे हमें जो चीज़ वो भी पढ़ा रहे हैं वो लर्न रहती है अलग अलग वे से, और सब डाउट्स क्लियर करते हैं। और आपको क्या फैसिलिटी दी जा रही है स्कूल में? करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है लाइक डांस, योगा, म्यूज़िक एक्सेट्रा, और गेम्स में भी हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं लाइक बहुत सारे गेम्स होते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, उन सब के कॉम्पिटिशन्स में। थैंक यू बच्चे। वो साढ़े लिए हर वक्त होंगे वेल, वह सानू इन्ना अच्छा पढ़ाते हैं कि सानू कभी भी डाउट नहीं होता, पर जेकर सानू कभी भी डाउट होता है तो आप फ्रीली उन्होंने को जा सकते हैं तो आप डाउट क्लीयर कर सकते हैं। स्कूल में की फैसिलिटियाँ मिल रही हैं तू? फर्स्ट ऑफ ऑल जो साडा स्कूल है वह मॉडर्न देश के पीछे नहीं बढ़ता, वह चाहते कि हर बच्चा ह्यूमैनिटी में रहे तो वह चंगे तो चंगी पढ़ाई प्राप्त कर सके। साथ में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिकल लैब और बहुत सारी स्पोर्ट्स ग्रीनरी हमारे स्कूल में सब अवेलेबल है। टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं तू? एक्चुअली मैम वो बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो चाहती है कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। साथ में वो चाहती है कि हर बच्चा वध तो वध स्कोर रंग करे क्योंकि क्योंकि आज इस समाज में जो रेस है वो बहुत बढ़ गई है, तो चाहते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर मरे, तो वो फोर्स नहीं करते पर वो चाहते हैं कि हर बच्चा अपना पैशन फॉलो करे। थैंक यू बेटा। गुड। मैम टीचर्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कभी भी कोई डाउट पूछो तो ऐसे नाराज़ नहीं होते, आराम से एकदम क्लियरली समझा देते हैं। और जैसे अगर कोई कोई टॉपिक जैसे होते हैं हार्ड बहुत होते हैं वो उन्हें अलग वे में कुछ अलग ऐसे समझाते हैं जिससे वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। थैंक यू बच्चा। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल मैम। की नाम है आप जी का? वैष्णवी। वैष्णवी आप कौन सी क्लास में हो? 8th है। स्कूल कौन सा है आपका? गुरुर कृष्ण पब्लिक स्कूल। क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको स्कूल में? हमें यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे बहुत मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि योगा, म्यूज़िक, नेल आर्ट, मेहंदी, फोल्डर एनवलप, और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स भी होता है, म्यूज़िक भी होता है। आपने यही स्कूल क्यों चुना? इस स्कूल में सिखिज्म की भी स्टडी करवाई जाती है, हमें हमारे स्कूल में एक डिविनिटी स्पेशल सब्जेक्ट भी है। थैंक यू बेटा। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल मैम। की नाम है आप जी का? आर्या शर्मा। कौन सी क्लास में बताया आपने? 8th है। 8th में। आपको टीचर्स का कितना सपोर्ट है पढ़ाने? मैम टीचर्स हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, इफ़ अगर हमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो एक बार नहीं 5 बार हमें क्लियर कर देंगी, तो हम कभी भी किसी टाइम भी मैम अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम मैम के पास जा सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छी फ्रेंडली तरीके से हमें समझाती हैं। 5 बार से ज़्यादा पूछ लिया फिर? मैम नहीं, मैम कभी डांटती नहीं आपको, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो नए तरीके से समझाएंगी आपको पर आपको क्लियर कर देंगी। ओके। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर? मैम वी हैव अ लार्ज प्ले ग्राउंड एंड असेंबली ग्राउंड, वी हैव अ कैंपस प्राइम विच कंटेन्स प्राइमरी विंग, मिडल विंग एंड हायर विंग, सीनियर विंग, एंड वी हैव कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब एंड एक्सेट्रा। थैंक यू बच्चा। वेलकम। आप जी का नाम? अनन्या मिश्रा। अनन्या कितना टाइम हो गया आपको स्कूल में? मैम आई एम स्टडिंग द स्कूल व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास। टीचर्स कितना सपोर्ट कर रही हैं आपको? मैम टीचर्स आर सो सपोर्टिव दैट दे हेल्प अस एनी टाइम वेन एवर वी नीड देम, दे क्लियर आर डाउट्स इन सच अ वे दैट वी डोंट नीड टू फील देम आस्क अगेन फ्रॉम देम। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नविका। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आई एम स्टडिंग इन गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। कौन सी ब्रांच है बेटा? लोनी रोड। कौन सी क्लास में हो आप बेटा? आई एम 5th D। 5th D। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज सरताज सिंह। और आप कौन सी क्लास में हो? 5th C। 5th में। और आपको टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाने में? वेरी मच, वेरी मच।
आदित्य शर्मा। आदित्य, आप कौन सी क्लास में हो? मैम 5th F। क्या नाम है आपका? एंजल अग्रवाल। आपकी क्लास कौन सी है? 5th D। और आपको टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाने में? काफ़ी सारा। आपको टीचर कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाने में? मैम वेरी मच। कैसा लगता है आपको स्कूल में आके? मैम अच्छा। अच्छा लगता है। सशिकाल बेटा जी। सशिकाल मैम। की हाल चाल तड़ा? नाम की तड़ा? मैम हरसिमरत सिंह। हरसिमरत सिंह। यस मैम। क्लास केड़ी तड़ी? मैं 5th D। 5th D, तुसी 5th विच हो? लगदे ते नहीं हो। अच्छा मैम, कितना सपोर्ट करदे पढ़ाने च? मैम ठीक है। अच्छा लगता स्कूल जाना? यस मैम। थैंक यू बेटा।